Bien, Carlos. Adiós. मेरे सिवा कोई है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें एकदम से रुकने को कहा, I'm sorry about that। तुम इतनी अपसेट थी, मैंने सोचा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर। शादी के दिन दुल्हन बहुत खुश होती है, लेकिन तुम इट्स ऑल राइट। I'll help make things better. एक मिनट, मुझे शादी के रस्म और रिवाज का ज्यादा पता नहीं है, मैं अटेंड नहीं करता हूं। एक दफा की थी, आई रियली डिडंट लाइक इट, लेकिन पता नहीं क्यों ये रस्म याद रहेगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये हमारी फैमिली में रस्म होती भी है कि नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं। अब्बा चुप हो गए और अम्मा रही नहीं। अब ये घर तुम्हारा, तुम समझ रही होगी शायद इस घर में सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, एक और शख्स भी है। अब मिलवाता हूं। थैंक यू कुरबान भाई, आज काफी देर हो गई आपको अटेंड करते हैं। मैंने कोशिश की जल्दी निकलने की, लेकिन टाइम तो लगता ही है। आप घर जाएं, कल मुलाकात होती है। जी बेहतर। इसलिए मेरे अब्बा, मैंने बहुत साल पहले एक पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तब से पैरालाइज है। मैं ही इनका ख्याल रखता हूं और मेरी गैर मौजूदगी में कुर्बान भाई। क्या हुआ कुर्बान भाई, दवाई देना तो नहीं भूल गए फिर से? मैं देता हूं। हाय, उठे मत करो, ये ले आ करे। शाबाश, गुड गुड, चल पानी। तारुफ कराना तो मैं भूल ही गया, ये ईशल है आपकी बहू। तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ प्लीज।
आप चाहते थे ना मैं शादी कर लूं, ले कर ली। किस्सा कुछ अजीब सा है। वैसे भी हमारी जिंदगी में कुछ नॉर्मल तो होता नहीं है, आदत ही नहीं रही। याद आपको मैंने वसीम साहब के बारे में बताया था, ये वही ईशल है, उनकी बेटी। आज इसकी शादी थी, मुझसे नहीं किसी और से। सरमत, सरमत नाम था उसका। रैन मौके पे वो गायब हो गया। आप समझ रहे हैं, सिर्फ सरमद ही नहीं उसकी पूरी फैमिली गायब हो गई। यूं एक पल में थे और एक पल में गायब, कुछ पता ही नहीं चला कब कौन कहां कैसे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वसीम साहब की मदद करने की, पर कर नहीं सका। अब दूल्हे के बगैर शादी हो नहीं सी रही। लोग भी तरह तरह की बातें करना शुरू। ऐसे में मैंने एक बड़ा फैसला किया। ईशन का हाथ थाम लिया। मैं जानता हूं आपको मुझ पे फख्र होगा, इसलिए कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ईशर पे कोई रहम आ गया, आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं वसीम साहब की बहुत इज्जत करता हूं और उनको तकलीफ में देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। और ईशर देखिए इसकी तरह, देखिए ये लड़की इस उम्र में क्या ये सब कुछ डिजर्व करती है जो इसके साथ हुआ है। पप्पू नहीं रहने दे बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किस्मत इस तरह से करवट बदल सकती है। हाय शमसा, किस्मत नहीं बदनसीबी कहो, बदनसीबी। छोड़ें इस बात को, अब बदनसीबी है या कुछ और, जो भी है हमारी है। न जाने उन कमबख्त लोगों को सूझी क्या। अरे नहीं शादी करनी थी तो इनकार कर दिया होता, एन निकाह वाले दिन मुंह काला करके भाग गया जलील लोग। अम्मा उनका जिक्र मत करें। क्यों ना करूं? अरे क्या नहीं किया उन्होंने हमारी मासूम बच्ची के साथ और हमारी इज्जत के साथ। मैं अपने दिल की भड़ास भी ना निकालूं। अम्मा मेरा तो दिल करता है मगर इसके घर वालों को। हमसा मत लो उस लड़के का नाम, और खबरदार उस नीच इंसान का नाम अगर इस घर में ले गया तो। बाबा आप संभाले खुद को, आपको बीपी हाई हो जाएगा। इधर बैठ जाए, आप बैठ जाए। वसीम ठीक कहता है, अरे मुर्दे के ऊपर मट्टी डालने के सिवा हम कर ही क्या सकते हैं। उस लड़के के साथ हमारा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, और जो था भी वो आज से बिल्कुल खत्म हो गया। पता नहीं फिर ईशर का क्या हाल होगा। क्या हुआ, खफा क्यों लग रहे? अब अगर सरमद ने ईशर को धोखा दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा अब समझो, आप इसलिए नाराज हैं क्योंकि आप मेरी शादी में शरीक नहीं हो सके। आई एम सॉरी, इट वॉज ऑल अनप्लान्ड, एकदम से हो गया। क्या क्या? अच्छा मैं समझा, मैं समझा, मैं समझा।
इसी का कह रहे थे ना ईशु, ये अब्बा की तरफ से तुम्हारे लिए। मेरे ख्याल से अब्बा के सोने का वक्त हो गया, हमें चलना चाहिए। गुड नाइट, शब बख़ैर। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, ये सब कैसे। दरअसल सरमत के घर के बाहर मैंने तुम्हारे बाबा से बात कर ली थी, उन्हें कोई एतराज नहीं था, बस इंतजार था तुम्हारे बाकी घर वालों का। उस वक्त मैंने कुर्बान भाई को फोन किया और कमरा से जाने को कहा। He's great. रात के इस पहर भी पता नहीं कहां से उन्होंने ये सब अरेंज कर लिया। It's good, है ना? Do you like it? देखो ईशल, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैं वो जख्म शायद कभी भर ना पाऊं, लेकिन मरहम जरूर रख सकता हूं। तुम्हें वो दुख भुलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खुश दिखना चाहता हूं। कुछ कहोगी नहीं? जब से आई हो चुप हो। It's all right. बात करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। You can take your time. But please, Isha, relax. ये सब तुम्हारा है, ये गम, ये खुशी, ये घर और मैं।
नसीब। मुझे पता है आप कहां जा रहे हैं। तुम सो जाओ जाके यार। अब वहां जाने का क्या फायदा? मैं वहां जाकर एक बार तसल्ली करना चाहता हूँ, मुझसे फैसला गलत तो नहीं हो गया। ठीक, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्लीज मना मत कीजिएगा। आ जाओ। दुल्हन अमूमन अपने शादी वाले दिन अपने शौहर के नाम का पहला हर्फ मेहंदी से लिखती है। Let me find it. Where is it? कहां गया? कहीं ना तो कहीं होगा। कहां है? कहां है? S. S for Sahir. Bolo. Bolo. Sahir.